दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 233 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहाओ को देखते हैं और जब सभी टीम्स यहां से जा रही होती है तभी कोई पीछे से हुआ युहाओ को आवाज देता है और यह आवाज देने वाला और कोई नहीं मजुई और वैना होती है जो कि युहाओ के पास आई होती है। और वैना कहती है, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि मैं तुम लोगों से क्वार्टर फाइनल्स के अंदर मिली हूँ और हम लोग वाकई में काफी ज्यादा अनलकी हैं जो हमने इस लॉट को निकाला। जिस पे युहाओ कहता है, वो कैसे है, आपकी भी तो टीम तो एक टॉप टीम है और रही बात हमारी, हम तो सिर्फ एक सेकंड प्लेस की टीम है। जिस पर मसोई कहती है, ये दिखावा करना बंद करो और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि लोगों को रियल लाइफ नहीं हुआ होगा तब जब तुम्हारी शरक टीम के साथ फाइट हुई थी, और अभी से ही यह एक्सपेक्ट नहीं करो कि तुम ही विन होगे। और मैं भी सच में काफी बेसब्र से इंतजार कर रही हूँ हमारा जो नेक्स्ट मैच होगा वो कैसा होगा। जिस पे युहाओ कहता है, सभी को ही अपना मौका मिलता है तो चलो अपन चल के अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे मैच का रिजल्ट कुछ भी क्यों क्यों ना हो पर उसका हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर वैना खुश होते हुए कहती है, मैं भी एग्जैक्टली यही कहना चाहती थी युहाओ, रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो हम तब भी एक दूसरे के पार्टनर्स रहेंगे। जिस पर युहाओ कहता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये सभी लोग ही होटल लौट आते हैं जहाँ पेजू सांसी काफी रिलैक्स होकर कहता है, बी आखिर ये मीटिंग रखने का क्या मतलब है, और मुझे तो ये लगता है कि आज की जो हमारी लॉट है वो हमारे लिए काफी अच्छी है और हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के रिलैक्स कर सकते हैं। जिस पे बी कहता है, इतने भी रिलैक्स्ड मत हो, हमें अभी पहले स्नो डिमन सेक्ट से होके गुजरना होगा। जिस पे सुसांसी कहता है, बी क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते हो, और क्या स्नो डिमन सेक्ट इतनी भी काबिल है हम उनसे निपटने के लिए एक मीटिंग भी रखें। जिस पर बी कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सिंपली सोचते हो लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम ही इसे बताओ कि हमारा अगला किससे सामना होने वाला है। जिस पे युहाओ कहता है, सभी लोग प्लीज इस सेक्ट को अंडरएस्टिमेट मत करना। और सेक्ट को सुन के जूसांसी पहले तो थोड़ा सा ही चौंकता है, लेकिन जैसे ही युहाओ बॉडी सेक्ट कहता है तो इस चीज को सुन के जूसांसी और भी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है, क्या बॉडी सेक्ट, वो इस पूरे समय के दौरान छिपे हुए नहीं थे क्या। जिस पे युहाओ कहता है, एग्जैक्टली इसी वजह से तो हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए और हमारे रिलायबल सोर्स के अनुसार उसके हिसाब से बॉडी सेक्ट ने इस टूर्नामेंट के अंदर डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी एक्टिविटी का एक भी नाम निशान तक नहीं छोड़ा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी सेक्ट है वो क्वार्टर फाइनल्स के इन 8 टीम्स में से एक है और इन 8 टीमों के बीच में से हम अपनी टीम शेरिक टीम और होली स्पिरिट सेक्ट को निकाल दें तो इसके पास सिर्फ 5 टीम्स ही बचती है। लेकिन हम इनके अलावा ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर को भी निकाल सकते हैं और बची हुई जो 4 टीम्स है वो प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट, हेवनली ड्रैगन सेक्ट, स्नो डिमन सेक्ट और स्टार ला नेशनल कॉलेज है और यह पक्का इनमें से ही किसी एक के अंदर हो सकते हैं। और फिर बी कहता है, इसलिए यह मत सोचो कि स्नो डिमन सेक्ट को चूज करने से हम सेफ हैं, क्योंकि स्नो डिमन सेक्ट के जो चांसेस है बॉडी सेक्ट के वॉरियर्स को छिपाने के वो पूरे 25% है और अगर बॉडी सेक्ट हमें हराना चाहती है तो वो पक्का एक्शन जरूर लेगी। और इस चीज को सुन के जूसंची काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है, हम इतने भी ज्यादा अनलकी नहीं हो सकते हैं और क्या सच में 25% चांसेस है हमारा उनसे सामना होने के। जिस पर बी कहता है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर किस टीम के अंदर बॉडी सेक्ट छिपा हुआ है, लेकिन हम अपनी उम्मीदों को बिल्कुल भी लक के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं और इसलिए ही हमें हर एक अपोनेंट से संभल के रहना होगा। और आखिरकार क्वार्टर फाइनल का जो दिन होता है वो भी आ गया होता है और इसी वजह से ही जो ब्राइट कैपिटल सिटी होती है वो एक्साइटिंग से सुबह सुबह ही गूंज उठती है और यहाँ तक कि दर्शकों ने अपने लिए काफी अच्छी पोजीशन को या फिर स्पॉट को बुक कर लिया होता है जिससे कि वो मैच को काफी अच्छी तरीके से देख सके। और बारी बारी से क्वार्टर फाइनल्स के लिए टीम्स यहाँ पे आने लगती है और सबसे पहले हमें श्रेक टीम से वैंग क्यूअ को दिखाया जाता है और जैसे ही डोंगर का ध्यान वैंग क्यूअ की तरफ जाता है तो ये तुरंत ही दौड़ते हुए वैंग क्यूअ की तरफ जाने लगती है और इस चीज को देख के युहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि इस तरफ डोंगर जैसे ही वैंग क्यूअ के पास आती है तो वैंग क्यूअ कहती है, आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। जिस पर डोंगर खुश होते हुए कहती है, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना कि अब से तुम मेरी एल्डर सिस्टर हो और अभी तुम्हारा मैच भी शुरू होने को है और इसलिए ही मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ, और इसमें क्या गलत है। जिस पे वैंग क्यूअ थोड़ी सीरियस होते हुए और कोल्ड होते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ पे मेरा विरोध या फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए आए हो तो फिर शायद तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए
और इसमें तुम जीत गई। अब जाओ यहाँ से। और इस चीज को सुनकर डोंगर भी काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद ये एक काफी लंबी सांस लेकर कहती है, क्या तुम जानती हो कि उसने मुझे उस मैच के बाद काफी ज्यादा डांटा था, और वो पहली बार था जब वो मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हुआ था। जिस पर वैंग क्यूए कहती है, आखिर ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? उसे बस इस बात का डर था कि कहीं तुम मेरे द्वारा हट ना हो जाओ। और इस बात को सुनकर डोंगर सिर हिलाने लगती है और फिर इमोशनल होते हुए कहती है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं सच में फील कर सकती हूँ। वो तुम्हें काफी अप्रिशिएट करता है, और तो और तुमने उसकी जिंदगी को काफी बार बचाया है, और इसी वजह से ही हम दोनों तुम हमारे काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और अगर यह मसला हमारे रिलेशनशिप को लेकर नहीं होता तो मैं सच में चाहती कि हम दोनों काफी अच्छी सिस्टर्स बने, और तो और मैं सच में तुम्हें काफी पसंद भी करती हूँ। और इस बात को सुनकर वैंग क्यूए कहती है, तुम्हारा हो गया हो तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। जिस पर डोंगर कहती है, मैं जानती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कहती हूँ, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हें एक ताना ही लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकती हूँ कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, बल्कि इसके बजाय तो मुझे तुम्हारी ये टफ पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद है। और इतना कहे डोंगर यहाँ से नाचते गाते गुनगुनाते हुए जाने लगती है, और उसे ऐसे जाते हुए देखकर वैंग क्यूए भी थोड़ा सा मुस्कुराती है। लेकिन तभी डोंगर किसी बच्चे की तरह काफी मजे से मुड़ के कहती है, बिग सिस्टर तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा। और इस चीज को सुन के वैंग क्यूए के भी शर्म के मारे गाल लाल हो जाते हैं। और जब युहाओ डोंगर को इतने नाचते गुनगुनाते हुए आते हुए देखता है तो इसके भी पसीने छूट जाते हैं, और ये इससे पूछता है, आखिर तुमने उससे क्या कहा? जिस पर डोंगर कहती है, ये बातचीत हमारी लड़कियों के बीच की है, तो इस चीज को लेकर तुम मुझसे आगे से कुछ भी मत पूछना। जिस पे युहाओ बेचारा परेशान होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। हम युहाओ को देखते हैं जो कि मन में कहता है, लगभग सभी स्क्वाड्स आ चुकी है, और यहाँ तक कि होली स्पिरिट सेक्ट के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं, और होली स्पिरिट के जो लोग हैं उन सभी ने ही हैट्स पहन रखी है, और मैं सिर्फ यही देख सकता हूँ कि जो टांगिया है वही सबसे आगे बैठी है, तो शायद उसकी जो पोजीशन है वो काफी इम्पोर्टेंट होगी, और उस स्क्वाड के पीछे जो वुमेन है वो मुझे काफी फैमिलियर सी दिख रही है, क्या वही इन्हें लीड करने वाली टीचर है? और तो और जो स्नो डिमन सेक्ट है वो भी यहाँ पे काफी जल्दी आ गई थी, और जो वैना और मजुई है वो सबसे आगे बैठ रखी है, और वो दोनों कुछ ना कुछ तो फुसफुस के बात कर रही है। जिसके बाद हमें जति आरन के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जति आरन कहता है, हॉल मास्टर होंग चैन आपके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की अब सिचुएशन कैसी है? जिस पर जिंग होंग चैन कहता है, योर हाइनेस चिंता जताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिन इम्पीरियल फिजिशियन डोलो को भेजा था उनकी देखभाल करने के लिए, उससे उनकी सिचुएशन काफी स्टेबलाइज हो गई है, और अब बात बस इतनी सी है कि उनके जो जख्म है वो काफी ज्यादा गहरे हैं, और मुझे डर है कि उन्हें पूरी तरीके से रिकवर होने में कम से कम साल भर लग जाएगा। जिस पर जुती आरन कहता है, तब तक सब कुछ ठीक है जब तक कि इसका कोई बुरा असर नहीं होता है, और वैसे भी वो दोनों ही हमारे एम्पायर के पिलर्स हैं, तो प्लीज मेरे इन शब्दों को सीओ होंग चन और मैंग होंग चन तक जरूर पहुंचा देना। वो लोग सिर्फ अपने लॉस को एक्सपीरियंस करने के बाद क्या वो इसे फ्यूचर के अंदर करेक्ट कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो शेरक अकेडमी के उन लोगों को जरूर हराए। और इस चीज को सुन के जो जिंग होंग चन होता है वो इनका शुक्रिया अदा करता है। जिस पर जति आरन कहता है, हॉल मास्टर हंग चन मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है जो ब्राइट कैपिटल सिटी अकेडमी है क्या वो आज शरक अकेडमी को कुचल के रख सकती है क्या? और इस बात को सुनकर जिंग होंग चन थोड़ा घबराते हुए कहता है, वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है दुश्मनों के मोरल को बढ़ाया जाए और अपने पराक्रम प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जाए, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ब्राइट कैपिटल सिटी अकेडमी और हमारी रॉयल अकेडमी के स्ट्रेंथ के बीच में अब भी गैप है, जबकि वैंग क्यूए से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है, और उस दिन मैच के एंड में उसकी जो एक्सप्लोसिव कॉम्बैट पावर थी वो एक एट रिंग्ज़ के सोल डिलो लेवल वॉरियर के बराबर की थी, और अगर ऐसा नहीं होता तो यह संभव नहीं है कि वो मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को हरा सकती। और वैंग क्यूए जैसी कैप्टन के साथ जो शर एक स्क्वाड है उसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल फाइटिंग फोर्स है। जिस पर जुति आरन कहता है, हजारों सालों का जो शरक अकेडमी का बढ़िया सा इतिहास है उसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, और यहाँ तक कि वैसे उनका जो इतिहास है वो काफी बढ़िया है, लेकिन तब भी उसे बनाए रखने के लिए उन्हें टैलेंट्स की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन जहाँ से मैं देख सकता हूँ उसके हिसाब से टांग सेक्ट और शरक सेक्ट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो उनके यंगर जनरेशन के सबसे बेस्ट टैलेंट्स हैं, और वाकई में ग्रैंड मास्टर की बात में दम तो है, जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है क्वार्टर फाइनल्स का जो फर्स्ट मैच है वो शेरक अकेडमी और ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज स्क्वाड के बीच में है, और इस मैच में वैंग क्यूए और लुजू एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और लुजू कहता है, हेलो गोल्डन ड्रैगन गर्ल, यह मेरे लिए वाकई में काफी सम्मान की बात है
जो मैं तुम्हारे साथ कम्पीट कर पा रहा हूँ, तो प्लीज मेरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिस पर वैंग क्यों कुछ भी कहे बिना इसे इग्नोर मार के यहाँ से जाने लगती है। इस वजह से इस बंदे के होश उड़ गए होते हैं और रेफरी कहता है, बच्चे ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम अच्छे देखते हो तो वो तुम्हारे ऊपर आसान रहेगी, और मेरी मानो तो तुम थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना। जिस पर लुजन कहता है, हाँ ठीक है, आपका एडवाइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सीनियर मैं पक्का केयरफुल रहूंगा। और जैसे ही इन दोनों के बीच की बैटल शुरू होती है, तो वैंग क्यू हर बार की तरह एक काफी धमाकेदार शुरुआत करती है और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जबकि इस तरफ लुजन तुरंत ही अपने विंग्स को बाहर निकाल के हवा में आ जाता है और पलक झपकते ही काफी ज्यादा हाइट पे आ जाता है। और इसे देख के रेफरी मन में कहता है, बच्चे बहुत अच्छे और एक सोल इंजीनियर होते हुए भी यह काफी अच्छी तरीके से जानता है अपनी खुद की स्ट्रेंथ को कैसे इस्तेमाल किया जाए दुश्मनों की वीकनेस के ऊपर अटैक करने के लिए। जबकि इस तरफ लुजन तुरंत ही अपनी इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जबकि वैंग क्यू भागते हुए इसके नीचे आ जाती है और ये तुरंत ही एक काफी तगड़ी और ऊंची छलांग लगा के इसके ऊपर आ जाती है। और वैंग क्यू को इतनी ऊंची छलांग लगाते देख के इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और तभी वैंग क्यू इतनी ऊंची छलांग लगा के सीधे इसकी इनविंसिबल शील्ड के ऊपर लैंड करती है। और जैसे ही वैंग क्यू इसके ऊपर लैंड करती है, तो इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चौक लगता है, और तो और काफी खतरनाक तरीके से इसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। और ये अपनी लड़खड़ाते हुई आवाज में कहता है, ये कितनी ज्यादा भारी है और इसकी वजह से अब मैं और ज्यादा उड़ नहीं सकता हूँ। और वैंग क्यू के इतने ज्यादा वजन की वजह से इस बंदे को उड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, जिसके बाद ये किसी तरीके के सोल टूल को बाहर निकालते हुए कहता है, अब सिर्फ यही एक लौता रास्ता रह गया है, और ये तुरंत ही किसी तरीके के कैनन को बाहर निकाल लेता है। तो वैंग क्यू भी इस चीज को देख के अपनी गोल्डन ड्रैगन की पावर को रिलीज करने लगती है, और इस तरीके की इन दोनों की हवा की फाइट को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि हे भगवान, ये गोल्डन ड्रैगन तो इनवल्नरेबल है। और वाकई में ये जो गोल्डन ड्रैगन गर्ल है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि इस तरफ युहाव मन में कहता है, वैसे तो सभी लोगों को इसकी पावर के बारे में काफी स्पष्ट रूप से पता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि इसकी जो डिफेंस एबिलिटी है वो भी कोई कमजोर नहीं है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं जो लुजन होता है, वो किसी तरीके के सोल टूल को बाहर निकालता है और वो तुरंत ही उसे अपने सीने पे अटैच कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, जिसकी फोर्स की वजह से ये काफी ज्यादा तेजी से जाके प्रोटेक्शन बैरियर पे काफी जोर से जा बिरता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हो जाता है। जबकि वैंग क्यू के नीचे से इनविंसिबल शील्ड हट जाने की वजह से वैंग क्यू काफी जोर से जमीन पे लैंड करती है, जबकि लुजन की वैंग क्यू को देख के काफी गंदी फट रखी होती है और ये मन में कहता है, ये वैंग क्यू तो मेंटली कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, और अब मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि क्यों डिंगजेबू ने इतनी आसानी से हार क्यों मान ली थी, और मुझे पूरा ध्यान रखना होगा कि इसके और मेरे बीच में डिस्टेंस बना रहे, और यही इससे बचने का इकलौता तरीका है। जबकि इस तरफ वैंग क्यू गोल्डन ड्रैगन स्फीयर से अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।